हेलो सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ या बना रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है फॉर एवरीवन हु ओन्स पीसीपी, जिसके पास भी कोई भी पीसीपी एयरगन है। उसका कारण ये है कि रिसेंटली आई परचेस्ड ये एफएक्स मैवरिक, तो आई वाज लुकिंग एट कि इनका कैटलॉग क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं उसमें अवेलेबल। तो मैंने देखा कि दे ऑफर समथिंग, वो इस बैरल की रिजिडिटी को बढ़ाने के लिए एक आइटम एक्स्ट्रा से सेल करते हैं, और उस आइटम का नाम है एक उसको बोलते हैं कार्बन फाइबर स्लीव। मैंने परचेज कर ली और ये रही वो कार्बन फाइबर स्लीव का एक हिस्सा। वो स्लीव इस बैरल के अंदर जाती है लाइनर के ऊपर, और मैंने साथ के साथ देखा कि स्लग्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई। 100 मीटर्स पे यूजुअली इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अ ग्रुपिंग विद 177 पैलेट्स, बट स्लग्स एक टोटली डिफरेंट मैटर हो जाता है। बट स्लग्स को रिजिडिटी चाहिए और हायर स्पीड चाहिए, सो आई वॉज गेटिंग आई एम गेटिंग बेटर बेटर रिजल्ट विद जस्ट वन कार्बन फाइबर स्लीव। तो अब इसका फायदा दूसरे व्यूअर्स को कैसे होगा, सो आप जरूर ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। इस कार्बन फाइबर स्लीव का दूसरे व्यूअर्स को कैसे बेनिफिट होएगा, सो लेट्स मूव इट अवे, क्योंकि इसका तो कोई ज़्यादा नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि एवरीबडी डजंट हैव एन एफेक्ट्स, राइट? सो लेट्स गेट आर डाटा। सो ये है डायना जो आई एम यूजिंग, डायना स्टॉर्म राइडर। सो आप मेरे दिमाग में आया कि इसके बैरल में मूवमेंट है। सो कई लोगों को वॉन्डरिंग जीरो का इशू रहता है, राइफल एक ही जगह पे दो बार शूट नहीं करती कभी भी। तो उसका एक कारण क्या होता है कि ये जो बैरल है ये फ्री फ्लोटिंग बैरल है, और इसको होल्ड, और ऊपर से इसमें टेंशन भी नहीं है बैरल में, सो उस वजह से यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है बैरल में। तो मैंने इसका क्या हल किया, मैंने एक और कार्बन फाइबर स्लीव मंगवाई। एफएक्स की जो स्लीव आती है वो बड़ी होती है ऑब्वियसली, सो ये वही स्लीव है। मैंने इसको थोड़ा पोर्ट किया, साइज को एडजस्ट किया, और मैंने इसको इसके बैरल पे फिट कर दिया। अब देखो बैरल की आउटलुक बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है बैरल पहले से। और एक और चीज़ आप नोटिस करें, बैरल की मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही मूवमेंट, और ये टेंशन्ड बैरल है। नॉर्मली क्या रहता है कि इसको आप टैप करते हो तो ये वाइब्रेट कर, अजीब सी आवाज़ करता है, राइट? पर अब देखो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है बैरल, मूव भी नहीं हो रहा। सो लुक एट दिस, कोई मूवमेंट नहीं बैरल में अब, विच इज लिटरली अमेजिंग। मैंने इसको अभी टेस्ट किया है और फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिले मेरे मुझे इसके। मैंने 13.43 ग्रेन के स्लग्स जो उसके आते हैं जेएसबी के, वो भी ट्राई करें इस पर, वो भी अच्छा रिजल्ट दिए हैं मुझे। नॉर्मली जो बैरल सपोर्टेड नहीं रहता उसके हार्मोनिक्स अलग होते हैं, और उस वजह से हैवियर प्रोजेक्टाइल जब आप उससे शूट करते हो इट वाइब्रेट्स। बट विद दिस स्लीव, अब मैंने बैरल को टेंशन कर दिया है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा ओवर साइज दिया बैरल को, सॉरी इस स्लीव को, इसको यहाँ पे और इस साइलेंसर के बीच में मैंने टाइट कर दिया। इसको टाइट होने की वजह से, जैसे आप इसको टाइट करोगे तो ये बैरल को पुल करेगा आगे। उसका एक फायदा ये हुआ कि अब ये बैरल अंडर टेंशन है, अब ये फ्री फ्लोटिंग बैरल जरूर है, ये टेंशन्ड बैरल है। सो एनी वन हु ओन्स अ पीसीपी और फ्री फ्लोटिंग बैरल वाली पीसीपी यूज कर रहे हो आप, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरे पास अभी ये स्लीव एक और पड़ी हुई है, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड लेट मी नो, मैं आपको ये शिप कर सकता हूँ। और
अगर और भी चाहिए होंगी तो आई हैव अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट थिकनेस, और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो यू गाइस कैन सेंड मी अ मैसेज, मेरा नंबर ऑलरेडी कई वीडियोस पे है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको भी अगर पीसीपी में एक इशू आ रहा हो, इधर योर राइफल इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और यू आर नॉट एबल टू टारगेट वही, सॉरी, यू आर टारगेटिंग ऑब्वियसली, बट जहाँ पर आप टारगेट कर रहे हो वहाँ पे आपको ये हिट नहीं कर रहे, तो उसके लिए आपको ये एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। इट कैन हेल्प यू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ योर राइफल। ओके, थैंक यू।